ये सब उस अपाहिज चिंकी की वजह से हुआ है। मैंने उसको कहा था कि मेरे पास ना आया करे, उसी के परछावे की वजह से मेरा बच्चा अपाहिज पैदा हुआ। एक जंगल में चिंकी और रेनू नाम की दो हिरनी रहा करती थीं। चिंकी हिरनी एक पैर से अपाहिज थी और रेनू एकदम हृष्ट पुष्ट थी। रेनू, मैंने सुना है तुम भी मेरी तरह माँ बनने वाली हो, इसलिए मैं तुमको बधाई देने के लिए आई थी। साथ ही मैं गणेश जी से प्रार्थना भी करूँगी कि हम दोनों को वो एकदम तंदुरुस्त बच्चा दें। चिंकी, मैं जो कह रही हूँ ध्यान से सुनना। तुम एक अपाहिज हिरनी हो और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा परछावा मेरी होने वाली औलाद पर पड़े, इसलिए जब तक मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं आ जाता तब तक तुम मुझसे मिलने यहाँ नहीं आना। मुझे दुआओं की कोई ज़रूरत नहीं, भगवान जैसा कुछ नहीं होता, बस तुम मुझसे कोसों दूर रहा करो। ये सुनकर चिंकी अपना सा मुँह लेकर वहाँ से चली आई। अभी कुछ ही दिनों के बाद चिंकी को एक बच्चा पैदा हुआ, जिसे पाकर वो बहुत खुश हुई। आ गया मेरा लाला इस दुनिया में, अब मुझे भी सहारा लगाने वाला मिल गया। गणेश जी, आपका लाख लाख शुक्र है। चिंकी, तुम दिल की बहुत अच्छी हो, किसी का बुरा नहीं चाहती, इसलिए गणेश जी ने तुमको इतनी तंदुरुस्त औलाद दी है। मैं इसका नाम चिंटू रखूंगी। सभी जानवर ये देखकर खुश हुए कि कुछ ही घंटों पहले पैदा हुआ चिंटू अपने पैरों पर भागने दौड़ने लगा। ये खुशी पाकर चिंकी को बहुत अच्छा लगा। वो अपने गणेश जी के मंदिर गई और उनका खूब शुक्रिया अदा किया। अब सभी जानवर रेनू हिरनी के पास पहुंचे। रेनू हिरनी, चिंकी हिरनी को तो एक बहुत ही तंदुरुस्त बच्चा पैदा हुआ है, बेचारी बहुत खुश है, तुम उसको बधाई देने नहीं जाओगी? अरे नहीं नहीं, मैं भी माँ बनने वाली हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि उस अपाहिज का परछावा मेरे होने वाले बच्चे पर पड़ जाए। भगवान से डरो रेनू। मुझे किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, उसका बच्चा चाहे कितना भी तंदुरुस्त क्यों ना हो, जब मेरा बच्चा पैदा होगा तो वो दौड़ में उसके बच्चे को हमेशा पीछे छोड़ दिया करेगा। अगले दिन रेनू को भी एक बच्चा पैदा हुआ। उसकी खुशी का भी अब ठिकाना नहीं था। सभी जानवर इकट्ठा होकर उसके पास पहुंचे। देखा जानवरों, मैंने कहा था ना कि मेरा बच्चा चिंकी के बच्चे से तंदुरुस्त पैदा होगा और दौड़ में उसको हमेशा पीछे छोड़ दिया करेगा। हाँ, हमें खुशी है कि तुमको एक तंदुरुस्त बच्चा पैदा हुआ। मैं इसका नाम रिंकू रखती हूँ। चलो रिंकू, खड़े हो जाओ और इन सभी को दौड़ कर दिखाओ। उसके कई बार कहने पर रिंकू खड़ा हो गया। ये देखकर सभी को बड़ी हैरानी हुई कि रिंकू एक पैर से अपाहिज था। उसका एक पैर हवा में था और वो तीन पैरों के सहारे बड़ी देर देर में चल रहा था। ये सब उस अपाहिज चिंकी की वजह से हुआ है। मैंने उसको कहा था कि मेरे पास ना आया करे, उसी के परछावे की वजह से मेरा बच्चा अपाहिज पैदा हुआ। अगर ऐसा कुछ होता तो जो बच्चा चिंकी को पैदा हुआ है वो ठीक ठाक कैसे है? उस पर चिंकी का परछावा क्यों नहीं पड़ा? भगवान ने तुमको ये सबक दिया है कि किसी के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए। कुछ दिन गुजरे और दोनों बच्चे अब बोलना भी अच्छे से सीख गए। चिंटू दौड़ में इतना तेज था कि जंगल के सारे हिरनों को हरा दिया करता था और रिंकू जो कि अपाहिज था वो किसी कछुए की चाल चला करता था। ये देखकर रेनू को बहुत बुरा लगता था, लेकिन उसके बस में कुछ भी नहीं था। एक दिन सभी जानवर जंगल के बड़े वाले मैदान में खेल रहे थे, तभी एक शिकारी वहां आया। उसने चुपके से अपनी बंदूक उठाई और रिंकू पर निशाना लगाया। सभी जानवर अब वहां से भागने लगे। रेनू भी अपने बच्चे के पास पहुंची। रिंकू, जल्दी भागो वरना वो शिकारी तुम्हें मार देगा। चिंकी और उसका बच्चा चिंटू शिकारी की पहुंच से बहुत दूर थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि रिंकू की जान खतरे में है तो चिंटू रिंकू को बचाने के लिए दौड़ पड़ा। शिकारी ने एक पर गोली चलाई, तभी रिंकू के सामने चिंटू आ गया और गोली उसको लग गई। आ! चिंटू के पेट से खून निकलने लगा। मैंने शिकार कर ही लिया। तभी एक हाथी वहां आया और उसने एक ही टक्कर एक पेड़ को ऐसी मारी कि वो पेड़ शिकारी के ऊपर गिर गया। आ!
ये देखकर अब सभी जानवर चिंटू के पास जमा हो गए। तुम मेरे बच्चे को हमेशा कोसा करती थी, अब देखो तुम्हारे बच्चे को बचाने के लिए इसने अपनी जान दे दी। चिंकी जरा इधर देखो, क्या तुमने मुझे अभी भी नहीं पहचाना? ये सुनकर सभी ने उस हाथी की तरफ देखा जिसने पेड़ गिराकर शिकारी को दबा दिया था। उसके चारों ओर से रोशनी निकल रही थी। ये देखकर सभी समझ गए कि वो गणेश जी ही है और सभी अपने घुटनों पर आ गए। गणेश जी आपको सादर प्रणाम, मैं कैसे आपको पहचान नहीं पाई, मुझे इस बात का बहुत दुख है। ये सब मैंने रेनू को सबक सिखाने के लिए किया था। कहो रेनू, अब तुम क्या कहना चाहती हो? ये देखकर रेनू की आंखों में भी आंसू निकल पड़े। गणेश जी मैंने चिंकी को मनहूस समझा था, इसको अपाहिज कहकर इसकी हमेशा बेइज्जती की थी, शायद इसीलिए तुमने मुझे अपाहिज औलाद दी, लेकिन फिर भी मेरी आंख नहीं खुली। लेकिन आज मुझे बहुत पछतावा हो रहा है, जिस बच्चे को मैं कोसा करती थी आज उसी ने अपनी जान देकर मेरे अपाहिज बच्चे की जान बचाई। मुझे माफ कर दो चिंकी हिरनी। तुमको तो सबक मिल गया, लेकिन मेरा चिंटू अब वापस नहीं आ सकता, मैं तो फिर से अकेली रह गई। चिंकी तुम मेरे सच्ची भक्त हो, भला मैं तुमको बेऔलाद का दुख कैसे दे सकता हूँ? ये सुनकर सभी गणेश जी की ओर देखने लगे। उनकी आंखों से एक दिव्य रोशनी निकली जो कि रिंकू, चिंटू और चिंकी तीनों पर पड़ी। चिंकी और रिंकू का पैर ठीक हो गया और फिर चिंटू भी जीवित हो उठा। ये देखकर उन सभी की खुशियों का कोई ठिकाना न रहा। उन्होंने वापस गणेश जी की तरफ देखा तो वो गायब हो चुके थे। उस दिन के बाद से सभी जानवरों ने गणेश जी की उपासना शुरू कर दी। चिंकी अब बहुत खुश थी कि उसके बेटे को जीवित करने के साथ साथ उसकी अपाहिजगी भी दूर हो गई। वहीं रेनू हिरनी भी बहुत खुश थी कि उसका बेटा भी अब अपाहिज नहीं रहा था। लेकिन आज भी जब वो दोनों दौड़ लगाते हैं तो चिंटू रिंकू को पीछे छोड़ देता है, लेकिन इस बात का रेनू को जरा भी बुरा नहीं लगता और वो हमेशा अब चिंकी हिरनी के साथ अच्छा व्यवहार करती है।